नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 9 बजे यानी कि 9 रिपोर्टर के साथ न्यूज इंडिया हाजिर है, जो कि ग्राउंड जीरो से आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन कौन से रिपोर्टर कहां से जुड़े हैं, क्या जानकारी देंगे, आइए आपको दिखा देते हैं वॉल पे कि आखिर वो हमारे रिपोर्टर कौन कौन से। सबसे पहले राजीव तिवारी दिल्ली से होंगे पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर वहां पर अभी और कितने कार्यक्रम में शामिल होंगे और अभी तक क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर हुआ है। वही गुजरात विधानसभा चुनाव का भी जिक्र करेंगे, मेहुल झाला वहां से अपडेट देंगे, जो आपको बताएंगे कि आखिर कितने उम्मीदवारों को टिकट मिल चुका है और आगे क्या तैयारी है। दीपक चौबे हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ेंगे, जो पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल है। वही दीपांकर गुप्ता जो कि जुड़ेंगे जम्मू से, जो आपको अपडेट देंगे कि आखिर जम्मू में किस तरह से आतंकी लगातार हमला कर रहे हैं और उनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। वही अभिनव पांडे लखनऊ से जुड़ेंगे, जो आप तक अपडेट पहुंचाएंगे कि आखिर लखनऊ में क्या चल रहा है और इस समय क्या बड़ी तस्वीरें आ रही हैं यूपी के अंदर। कमल कुमार राज्य से लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि झारखंड स्थापना दिवस आज के दिन और झारखंड में क्या तस्वीरें और कितनी बदली वहां की तस्वीरें झारखंड बनने के बाद, ये भी हम आपको बताएंगे। वही संजय पुंडीर हरिद्वार से जुड़ेंगे, जो आपको अपडेट देंगे कि आखिर सीएम धामी का आज क्या कुछ कार्यक्रम है और कौन से बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पुष्कर नेगी चमोली से लाइव जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे बर्फबारी से जुड़ी खबरें और उत्तराखंड में मौसम का ताजा हाल क्या है। वही अली शरर हमारे सहयोगी नोएडा से लाइव जुड़ेंगे, जो नोएडा की तमाम बड़ी खबरें होंगी आपको उस पर अपडेट देंगे। लेकिन ये 9 रिपोर्टर आपको पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे ग्राउंड जीरो से और आपको दिखाएंगे वहां का सूरत हाल। फिलहाल एक बड़ी खबर, G20 सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन, विराम का रास्ता खोजना होगा पीएम मोदी ने कहा। G20 सम्मेलन से दुनिया को बहुत उम्मीदें, पीएम नरेंद्र मोदी का यह कहना। यूक्रेन से युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा, पीएम नरेंद्र मोदी का यह कहना। G20 सम्मेलन से दुनिया को बहुत सी उम्मीदें, G20 सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन, यूक्रेन से युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा G20 सम्मेलन से दुनिया को जो उम्मीदें और उसी उम्मीदों पर इस समय काम करते हुए 20 के देश इंडोनेशिया के बाली में। G20 समिट जहां पर कई दिग्गज चेहरे 20 देशों के पहुंचे हुए हैं प्रतिनिधि कर और कर रहे हैं इसका प्रतिनिधित्व। अगले साल भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। G20 सम्मेलन से दुनिया को बहुत उम्मीदें, पीएम नरेंद्र मोदी के कई बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां पर अन्य देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, चाहे वो बाइडेन हो या पुतिन हो, और बाइडेन और फिर शी जिनपिंग की कल के दिन मुलाकात तो ही आप सभी ने देखा। इस 48 घंटे के दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी कई बड़ी बैठकें करेंगे, आने वाले समय में क्या बेहतर रास्ते खुले देश के लिए उस पर भी बातचीत और चर्चा अन्य देशों के नेताओं के साथ। चलिए एक और बड़ी खबर, गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की चौथे लिस्ट जारी हो गई है। चौथे लिस्ट जारी की गई, अल्पेश ठाकुर को जो सीट दी गई वो बदल दी गई है। अल्पेश ठाकुर को गांधीनगर दक्षिण भेज दिया गया और गांधीनगर दक्षिण से अब लड़ेंगे चुनाव। अब तक कुल 179 नामों की घोषणा की जा चुकी है। अब गांधीनगर दक्षिण से लड़ेंगे चुनाव। के लिए बीजेपी की चौथे लिस्ट जारी और 179 नामों की घोषणा कर चुकी है बीजेपी। अभी तक कई बड़े चेहरों पर दांव खेला है बीजेपी ने और कई ऐसे जिनके टिकट भी काटे गए, कई ऐसे जिनकी सीट भी बदल दी गई, लेकिन अब तैयारियां जोरों पर चुनाव को लेकर। पहले चरण, दूसरे चरण, दो चरणों में चुनाव और तीन दिग्गज पार्टियां चुनावी मैदान में। बीजेपी की चौथे लिस्ट जारी, अल्पेश ठाकुर की सीट बदली गई,
और उन्हें कहीं और से अब उतारा गया चुनावी मैदान में। वो सीट है गांधीनगर दक्षिण। सहयोगी मेहुल झाला लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, ताजा अपडेट क्या है, कौन कौन सी पार्टियों ने अभी तक कितने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और कैसी तस्वीरें बन रही है, कैसे समीकरणों को साध रही है? सबसे बड़ा उलटफेर आज हो सकता है 10-10:30 बजे के आसपास, जबकि अर्बुदा सेना पूर्व गृह मंत्री जो हुआ करते थे विपुल चौधरी, जो कि दूध सागर डेयरी के पूर्व चेयरमैन थे, और उनका तकरीबन 350 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक गफला होने के चलते राज्य सरकार ने तकरीबन 20-22 साल के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल में भेजा है, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि उत्तरीय गुजरात में चौधरी समुदाय का बड़ा दबदबा है और लेकिन मेहुल, अल्पेश ठाकुर को गांधीनगर सीट ही क्यों दी गई, ऐसा क्यों? देखिए, जाति ज्ञाति वाले समीकरण को देखते हुए अल्पेश ठाकुर को पहले राधनपुर सीट से उनको तय किया गया था कि राधनपुर से लड़ेंगे, उसके बाद दूसरी सूची में उनका नाम गांधीनगर दक्षिण से ही आया था। बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि गांधीनगर दक्षिण से भी उनको कहीं और जगह भेजा जा सकता है, क्योंकि ज्ञाति जाति वाले समीकरण इस तरह से है। ज्यादातर लोग अल्पेश ठाकुर के नाम को लेकर पशोपश में थे, विरोध भी था कहीं, और ये कह रहे थे कि स्थानीय प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी घोषित करे तो शंभूजी ठाकुर करके जो विधायक हुआ करते थे पिछले 3 टर्म से गांधीनगर दक्षिण से, उनका पत्ता काट दिया गया है और उनकी जगह अल्पेश ठाकुर को टिकट दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें जो टिकटों का बंटवारा हो रहा है, क्या सभी पार्टियां एक ही समीकरण को साधने में लगी हैं या सभी पार्टियों का एजेंडा अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी जाति ज्ञाति के समीकरणों को लेकर ही टिकट का बंटवारा किया हुआ है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में 4 विधानसभा क्षेत्र की सीट है, उनकी घोषणा बाकी है, 4 नामों की घोषणा बाकी है। वो बड़ोदरा की एक मांजलपुर बैठक है, एक आदिवासी क्षेत्र की गरबाड़ा बैठक है, और मानसा जो कि उत्तरीय गुजरात की 2 सीटें हैं विधानसभा क्षेत्र की, उनके नामों का ऐलान अभी होना बाकी है। मैं आपको बताऊं, कल शाम का जो मामला था भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर के कमलम में, तकरीबन 2,500 की तादाद में समर्थक उमटे थे। 2 बायड़ विधानसभा क्षेत्र सीट थी और एक और अन्य विधानसभा क्षेत्र की सीट थी पाटन, उनको उनके समर्थक जुटे थे और वहां हल्ला बोल किया गया था। ठीक उसी तरह कांग्रेस में भी तोड़फोड़ की गई समर्थकों ने और टिकट मांगने पर बड़े पैमाने पर दोनों ही पार्टियों में बड़ा बवाल चल रहा था। चलिए ठीक है, मैं बने रहिएगा, लौट कराऊंगा। वही एक और बड़ी खबर, मोरबी ब्रिज हादसे में सुनवाई आज होगी, गुजरात हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, जनहित याचिका पर फैसला आ सकता है। हादसे में 135 लोगों की जाने चली गई थी, आपको याद होगा वो दिन जब पूरे देश की आंखें नम थी। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे मामले में गुजरात हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ मौजूद ना होने के चलते इस मामले की सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी थी। मुख्य न्यायाधीश कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की पीठ ने 7 नवंबर को राज्य सरकार और राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी करने के साथ सरकार से स्थिति कोई रिपोर्ट मांगी थी, और 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर बने पुल के गिरने से महिलाओं और बच्चों समेत आपको याद होगा 135 लोगों की जब जाने गई थी तो पूरे गुजरात में त्राहिमाम मचा था। सहयोगी मेहुल झाला लगातार अपडेट दे रहे हैं। मेहुल, ताजा अपडेट क्या है, हाईकोर्ट में आज सुनवाई, 135 लोगों की जाने गई, अभी तक क्या क्या बड़ी कार्रवाई हुई है और आज क्या कुछ होने वाला है कोर्ट के अंदर? मेहुल, देखिए, 9 लोगों के खिलाफ मामला चला है और इसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। एक जो अभियुक्त था उन्होंने कोर्ट में भरे कोर्ट में ये कहा कि ये भगवान की मर्जी थी कि ये हादसा हुआ, ये मानव सर्जित हादसा नहीं है, इस तरह का बयान दिया था जो एक एक्यूज थे उन्होंने। 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और मैं आपको बताऊं कि जयसुख पटेल जो कि ओरेवा कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग जो कि घड़ी उत्पाद की बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर मानक नाम वाली कंपनी है, उनका जो मालिक है जयसुख पटेल, वो अभी फरार होने की संभावनाएं जताई जा रही है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो सकता है, पर चूंकि गुजरात में चुनाव है और पाटीदार बहुल इलाके से जयसुख पटेल मोरबी से मोरबी के हैं, जिस तरह से देखा जाए कि गुजरात हाईकोर्ट किस तरह से संज्ञान लेता है, चूंकि सीओ मोटो भी दाखिल किया गया था वडोदरा के एक सज्जन के द्वारा और ये कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि कल जो 14 नवंबर को इनकी सुनवाई मुकर्रर थी वो सुनवाई नहीं हो पाई है किसी कारणवश, और इस वजह से ये सुनवाई अगर आज होती है तो गुजरात हाईकोर्ट किस तरह से मोरबी हादसे को
की घटना में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जताता है, संज्ञान लेता है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन 125 से 135 साल पुराना ये पुराना ब्रिज था, अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ था। उसके बाद ये झूलता पुल जो बना था, इसमें दिवाली के दिनों में ही इसको खुला छोड़ दिया था, इसका इनोग्रेशन किया गया था। चूंकि कई मानों के ऊपर खरा नहीं था, ऐसी भी बात आ रही है। अब गुजरात हाईकोर्ट जो याचिका दायर हुई है उसमें क्या क्या कार्रवाई करने की मांग की गई है उसको देखते हुए, और लेकिन मेहुल जो अभी तक जांच हुई है, जो एसआईटी को जांच ही सौंपी गई थी, जांच में क्या साफ हो पाया, क्या किसकी लापरवाही सामने आई, क्या ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है? देखिए, जांच का ये रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, केवल ये 9 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके बाद एसआईटी अपनी जांच में जुटी हुई है। पर मैं आपको बताऊं कि पिछले 5-6 साल में जितने बड़े हादसे या दुर्घटना हुई है उसमें आयोग जरूर गठित हुआ है, कोई निष्कर्ष अभी तक आया नहीं है। चाहे बोटाद में जिस तरह से केमिकल कांड का मामला हो जिसमें 125 से करीब ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी, चाहे सूरत में तक्षशिला का जो अग्निकांड है जिसमें 22 बच्चों ने जान गंवाई थी, सभी में आयोग गठित हुआ है पर कोई ठोस निर्णय या निष्कर्ष नहीं आया है। अभी देखना यह होगा कि मोरवी के झूलते पुल वाले हादसे में 135 लोगों ने से ज्यादा लोगों ने जहां जान गंवाई है, गुजरात हाईकोर्ट किस तरह से संज्ञान लेता है। चलिए, शुक्रिया मेहुल पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश जो है नाकाम हो गई। जम्मू में कई ऐसे इलाके जहां पर लगातार इस तरह की गतिविधियां, 2 आईडी मिले हैं और मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मामले में अभी तक कोई भी आतंकी साजिश नाकाम। अभी म्यूट रखिएगा। देना चाहते थे, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर। तस्वीरें देखिए जो वहां पर गश्ती समय बढ़ चुकी है। तो घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर, तस्वीरें आपके सामने। सर्च ऑपरेशन जारी पूरे इलाके में। क्या आखिर आईडी कहां से यहां तक आया और किसने ये बड़ी साजिश रची थी? मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया जिसने बम को डिफ्यूज किया और आगे की कार्रवाई अब जा रही है सेना की तरफ से। सहयोगी दीपांकर गुप्ता लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। दीपांकर, ताजा अपडेट क्या है, किसने आईडी फिट किया, कौन से आतंकी संगठन का इसमें हाथ, क्या कुछ अभी पता चल पाए क्या दीपांकर? जी हाँ, देखिए, कल रात लगभग 10:30 बजे की घटना है और 2 बड़ी आरटीएक्स फिटेड आईडीज, ये हम आपको बताते चले कि जो सैन्य छावनी है उससे इस स्पॉट की मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी है और आतंकियों के बड़ा साजिश जो है वो उसको नाकाम कर दिया गया है। ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग करवाई गई और कोई लोकल स्लीपर सेल का काम है। हालांकि किसी भी आतंकी संगठन ने अभी तक कोई क्लेम नहीं लिया है, पर एक बार फिर से सुरक्षा बलों की हमारे को जो है वो शाबाशी कहना होगा और उन्होंने एक और आईडी को पहले ही जो है वो डिटेक्ट कर लिया। आप जानते हैं जम्मू में सिद्रा में आईडी मिली थी, उसे भी डिफ्यूज किया गया था। आईडी सब्सटेंस हाल ही में जम्मू रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास मिला था जिसे टाइमली जो है वो डिटेक्ट किया गया था। ऐसे में लगातार अब इसकी छानबीन जारी है, सर्च ऑपरेशन आसपास के पूरे इलाके में चल रहा है। हालांकि बॉर्डर से ये कुछ दूरी पर जरूर ये जगह पड़ती है, पर जम्मू शहर। लेकिन दीपांकर, सवाल ये है कि बार बार ये जिक्र तो हम करते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग अब महफूज हैं, सरकार भी बार बार यही कह रही है दावे के साथ, लेकिन असल में वैसा है नहीं वहां पर कुछ। लगातार जब इस तरह की गतिविधियां सामने आती है, मुठभेड़ की खबरें होती हैं,
और हमारे देश के जो जवान है वो भी अपनी जान गंवाते हैं, तो फिर तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस बात के महफूज की बात आप करते हैं दीपांकर? निश्चित तौर पर इसके दो एंगल बनते हैं, एक तो जो आप कह रहे हैं वो सवाल जरूर खड़े होते हैं, दूसरी तरफ ये जो कायर आतंकी हैं, ये जो पाकिस्तान पीओके में जो बैठे इनके आका हैं, ये लोग डायरेक्ट हमारे सुरक्षा बलों का सामना करने की अब हिम्मत नहीं दिखाते हैं, स्टिकी बॉम्ब्स लगाते हैं, ड्रोन ड्रॉपिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं से पिस्टल्स आती हैं, कश्मीर में पिस्टल्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है टारगेट किलिंग करने के लिए, वहीं जम्मू को मेन टारगेट इसलिए बनाया जाता है आईटीज के जरिए क्योंकि जम्मू से इनको लगता है कि एक इंटरनेशनल खबर बनेगी, ये मैसेज आएगा कि यहाँ पर सब कुछ जो है वो ठीक नहीं है, पर जरूर सवाल खड़े होते हैं जो आप बोल रहे हैं। चलिए शुक्रिया दीपांकर पूरी जानकारी के लिए। वही नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गोली लगी है, बड़ी खबर। घायल बदमाशों पर अलग अलग थानों में मामला दर्ज है, मुकदमे दर्ज हैं और राहगीरों को अपना निशाना बनाते थे ये बदमाश, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गोली लगी और घायल बदमाशों पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं, कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो चुके हैं, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। राहगीरों को अपना निशाना बनाते थे, लूटपाट करते थे, उसके बाद वहां से रफू चक्कर। नोएडा में 3 बदमाशों को गोली लगी है मुठभेड़ के दौरान, तीनों बदमाशों को पकड़ लिया गया, लेकिन कितने मामले इन पे दर्ज थे और क्या इन्होंने पहले किया है, किन अपने कारनामों को अंजाम दिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों में खौफ तो है लेकिन इसके बावजूद बदमाशों की संख्या जो है कम नहीं है अभी यूपी के अंदर, लगातार इस तरह से जब घटनाएं सामने आती हैं। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गोली लगी, राहगीरों को अपना निशाना बनाते थे, कई मामलों में पहले से इनका नाम भी रहा है, कई मुकदमे इन पर दर्ज हैं। देखिए उन्हीं बदमाशों की ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, पैर में गोली लगने के बाद जिस पुलिस की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, साथ में वो और ये अपराधी। घायल बदमाशों पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, 3 बदमाशों को गोली लगी और फिलहाल अभी पूछताछ की जाएगी इन बदमाशों से कि आखिर ऐसा ये क्यों करते थे और कितने अपराधों में शामिल रह चुके हैं, और फिर आगे की कार्रवाई के बाद इन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। घायल बदमाशों पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज, कई बड़ी घटनाओं को इस तरह से अंजाम ये देते आए। ये देखिए बाइक भी आप देख पा रहे होंगे, जिस बाइक पर बदमाश ये सवार होकर भाग रहे थे उसी दौरान इनके पैर में गोली लगी, उसके बाद तुरंत ये जमीन पर गिर पड़े और फिर पुलिस कर्मियों ने इन्हें अपने हिरासत में लिया। सहयोगी अली शरर लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अली, ताजा अपडेट क्या है, जिस तरह से बदमाशों को पकड़ा गया मुठभेड़ के दौरान, उनके पैर में गोली लगी, कितने अपराधों में पहले ही शामिल हो चुके, इनका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है? अली देखिए, बिल्कुल सागर, खूंखार अपराधी कहलाए जाने वाले 3 खूंखार अपराधियों को देर रात नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये दिल्ली NCR के दर्जनों थानों में सैकड़ों मुकदमे इन पर दर्ज थे। इनका मुख्य जो बदमाश है जिसे कहा जा सकता है आरोपी, वह है शाहरुख, जिसके ऊपर करीब 4 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे और ये किसी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए हाईवे किनारे थे। पुलिस ने इन्हें चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पर इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के दौरान ही मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार किया गया। सागर, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, झारखंड का स्थापना दिवस आज के दिन, झारखंड के 22 साल पूरे हो चुके हैं और स्थापना दिवस पर CM आज कई बड़े ऐलान कर सकते हैं, यानी कि झारखंड 22 साल का हो चुका है, कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री CM सोरेन पोर्टल लॉन्च करेंगे, CM BJP से सांसद और विधायकों को न्योता हालांकि नहीं है। रांची के मोराबादी मैदान में प्रोग्राम का आयोजन होगा, मोराबादी आज का दिन एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। झारखंड आज 22वां स्थापना दिवस मना रहा है, 22 साल का हो गया झारखंड। 15 नवंबर सन 2000 वो साल था जब झारखंड अलग राज्य बना बिहार से हटकर। राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम होगा,
इस मंच से मुख्यमंत्री राज्य की जनता के लिए कई सौगातें भी लेकर आएंगे। सहयोगी कमल कुमार लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। कमल, 22 साल हो गए झारखंड को बने, इन 22 सालों में हमने देखी कई उतार चढ़ाव देखे, जेएमएम सरकार रही काफी लंबे समय तक, बिहार से जब से अलग राज्य बना झारखंड, तो अभी तक कितना बदलाव आपने देखा, अभी और कहां कहां पर कमियां आप महसूस करते हैं, और क्या कुछ आज के दिन कार्यक्रम वो भी बताइएगा। कमल, देखिए कहीं ना कहीं इन 22 सालों में कई बदलाव हुए हैं, विकास के ओर बढ़ा भी है झारखंड, क्योंकि जब बिहार राज्य के साथ था उस समय जो विकास के मायने थे वो कम थे यहाँ पर, लेकिन जब से यहाँ के लिए अलग से बजट बनना शुरू हुआ उसके बाद यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बदली हैं और लोगों में खासा विश्वास भी बढ़ा है, खास करके सरकार को लेकर के, जितनी भी सरकारें रही उन्होंने विकास के कार्यों को किया है, तो कहीं ना कहीं लगातार ये प्रयास रहा है जो भी सरकारें आई हैं कि राज्य की जनता को यहाँ जो फायदा हो वो पहुंचे। और आज जो कार्यक्रम है खास करके इसमें मुख्यमंत्री मोराबादी स्थित मुख्य मैदान में मुख्य कार्यक्रम समारोह है, वहां पर कार्यक्रम है और वहां राज्यपाल रमेश बैस शामिल होंगे। इससे पहले राष्ट्रपति के शामिल होने की बात थी लेकिन वह रद्द हो गया है और अब रमेश बैस जो राज्यपाल है वहां उपस्थित होंगे मुख्य अतिथि के रूप में और 10,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा भी की जाएगी जिस तरह से। चलिए बिल्कुल कमल, अपडेट आपसे लेंगे जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्योंकि हर बार जब जब स्थापना दिवस का दिन हमने देखा झारखंड का, वो दिन बड़ा ऐतिहासिक और यादगार बनाया है, जेएमएम सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जा रही है।